वाह, इस आइलैंड का नाम ट्रेम्बलिंग आइलैंड क्यों है? आइसोलेटेड आइलैंड में बहुत बड़ा भूकंप आया है। ये तो शुक्र है कि होटल आधुनिक तकनीक से बना हुआ है, इसीलिए होटल को कुछ नहीं हुआ, वरना होटल बर्बाद हो गया होता। हम अपने 20 साल के तजुर्बे में इतना अच्छा व्यू अभी नहीं देखा। चलो जल्दी से चेंज वेंज कर लेते हैं, फिर खाना खाने चलते हैं। अरे किसी ने नहीं बांधा है, जब भूकंप आता है तो मैं खुद ही अपने आप को कुर्सी से चारों तरफ बांध लेता हूँ ताकि कुर्सी जरके नहीं और मैं आराम से अपना काम कर सकूं। अरे आप लोगों को चोट कैसे लगी? अरे ये भूकंप ने हमें सामने वाले टावर से इस टावर में फेंक दिया। अरे ये भूकंप अचानक कैसे आ गया? अरे क्या पता, जब से होटल बना है ये अर्थक्वेक आते रहते हैं। फिर तो बहुत नुकसान होता होगा, पूरे जर्मनी में भूकंप आता होगा, है ना? अरे जर्मनी में और कहीं नहीं, सिर्फ इस आइलैंड में आता है। अरे ऐसे कैसे? ये तो किसी को भी नहीं पता। ये बात कुछ समझ में नहीं आया कि इसी आइलैंड में भूकंप क्यों आता है, बाकी और कहीं नहीं आता। यहाँ से तो किनारा सिर्फ 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, सिर्फ इसी होटल के नीचे ही क्यों आया भूकंप? कुछ तो गड़बड़ है। कोई खराबी नहीं है, यहाँ भूकंप आता ही है। मैनेजर साहब, आखिर ये कौन है जो बोल के गया? इस होटल के दो मालिक हैं, मिस्टर मार्क एंड मिस्टर जुबैर। इनका नाम है मिस्टर जुबैर। ओह मैनेजर साहब।